तो क्या हाल है? सो दोस्तों, आज हम टीवीएस अपाचे आर टी आर 164 VBS के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, जैसा हमें ओनर से जानने को मिला। और ये वीडियो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है, सो मैंने उन पॉइंट्स को अलग से डिस्क्राइब कर दिया है। एंड एंड में बताएंगे हु वुड बाई दिस बाइक। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोज, सो फर्स्ट एडवांटेज है इसके इंजन की। तो बाइक की रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छी है, एंड RTR अपने सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक बन चुकी है। एंड इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर की है, एंड एक्सेलरेशन भी बहुत अच्छा है। सेकेंड एडवांटेज है इसकी हेडलाइट की। सो RTR की हेडलाइट इल्यूमिनेशन एंड फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड नाइट राइड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थर्ड एडवांटेज है इसकी कम्फर्ट की। सो RTR अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कम्फर्ट प्रोवाइड करने वाली गाड़ी है, एज सीट कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड सस्पेंशन मीडियम सेटअप पर है जो रोड अंडुलेशन को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड हाईवे राइडिंग में भी स्टेबल राइड देते हैं। फोर्थ एडवांटेज है इसके ब्रेकिंग की। सो RTR में रोटोपेडल डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, एंड बिलीव मी गाइस, इसके स्मॉलर डिस्क को देखकर आप ये ना सोचे कि ब्रेक उतनी प्रोग्रेसिव नहीं होगी, जबकि बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा शानदार है। एंड आई वॉज इम्प्रेस बिकॉज ब्रेकिंग फीडबैक इज़ गुड, बाइट इज़ गुड, एंड ABS भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता जो इसे प्लांटेड ब्रेकिंग देती है। एंड फिफ्थ एडवांटेज है हैंडलिंग की। सो बाइक की हैंडलिंग सेगमेंट बेस्ट है, एंड राइड क्वालिटी भी उतनी अच्छी है जो इसे मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक बनाता है 150 to 160 cc के सेगमेंट से। सो कमिंग टू कॉन्स, सो बाइक की फर्स्ट डिसएडवांटेज है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। गाइज, बाइक की क्लस्टर बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है, बट एक दो फीचर मिसिंग है, लाइक गियर पोजिशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एंड डिस्टेंस टू MT, जो इसे BS6 हाई पावर एडिशन आइट्रेशन में देनी चाहिए थी। सेकेंड डिसएडवांटेज है हीटिंग की। गाइस, बाइक लॉन्ग राइड पर हीट हो जाती है, लाइक एयर कूल बाइक, जो कि अच्छी बात नहीं है, एंड आपको लेग्स पर हीट फील होने लगेंगे एंड अनोइंग भी लगेंगे। थर्ड डिसएडवांटेज है कंफर्ट की। हाँ गाइस, ये पॉइंट मैंने प्रोज में भी डाला था, बट कॉन्स में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बाइक को कंफर्टेबली 5 foot 5 inch से लेकर 5 foot 10 inch की हाइट वाले लोग ही अच्छे से राइड कर सकते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको पाम में भी पेन होने लगेगा जब भी आप लॉन्ग राइड करें तो। फोर्थ डिसएडवांटेज है क्लच इशू की। गाइस, डेली राइड में आपको इसके क्लच में इशू होने लगेगा, एंड सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत अनोइंग है। एंड फिफ्थ डिसएडवांटेज है इसके डिस्क प्लेट की। दोस्तों, रियर डिस्क साउंड करती है जब भी आप गाड़ी को 10 किलोमीटर्स के ऊपर कंटिन्यू राइड करते हैं, जो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे से हमें अनोइंग फील हो रहा है। सो हु वुड बाई दिस बाइक? सो गाइज, अपाचे अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी रिफाइनमेंट देती है, प्लस कंफर्ट ही बहुत अच्छा है, प्लस हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, प्लस ब्रेकिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा है, एंड हेडलाइट इल्यूमिनेशन भी बहुत अच्छी है। सो ये बाइक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आती है। सो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या ऑफिस एम्प्लॉय हैं, या आप फैमिली परस्पेक्टिव से ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं, सो दिस बाइक सूट्स यू। बस गाइज, अपने कम्फर्ट के हिसाब से इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज शॉर्टर एंड टॉलर राइडर्स को ये गाड़ी परेशान कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।